फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल आज चर्चा करूंगा एक ऐसी औषधि जो आपके लिए तुरंत रामबाण औषधि की तरह दर्द निवारक में आपका काम करती है। कहीं भी यदि आपको दर्द हो तो आयुर्वेद में जितने भी सारे दर्द निवारक औषधियाँ हैं तो उसमें सबसे तुरंत काम करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह है एलोवेरा, या जिसे हम ग्वारपाठा भी कहते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी औषधि जिसका मैंने खुद अपने जीवन में उपयोग किया, कई जगहों पर औषधि विज्ञान में पढ़ा, कई डॉक्टरों के द्वारा भी मैंने जानकारियाँ हासिल की, लेकिन जब इसका जीवन में उपयोग किया तो वास्तव में यह एक चमत्कारिक औषधि है। वैसे बहुत सारी औषधियाँ दर्द निवारक होती हैं, लेकिन अगर हमको तत्काल और तुरंत यदि रिलीफ चाहिए दर्द में तो उसके लिए एलोवेरा या हम ग्वारपाठा कहें, इससे अच्छी औषधि नहीं है। तो आप अपनी सामान्य भाषा में इसे रामबाण औषधि कह सकते हैं। आप इसका उपयोग करके देखिए, यदि सर में दर्द हो रहा है तो उसको एलोवेरा को जो है अंदर उसके जेल को निकाल कर जो उसको लगा सकते हैं। वैसे एलोवेरा के ढेर उपयोग हैं, मैं इस पर और भी आपको वीडियो बनाकर जो आपके तक पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं केवल एक आपको उपयोग बता रहा हूँ जो दर्द निवारक में काम आता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं, जैसे आप एलोपैथिक में मूव लगाते हैं, आयोडेक्स लगाते हैं, यानी जहाँ जहाँ पर आप आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं या मूव का प्रयोग करते हैं, अन्य दर्द निवारक जो है लेपों उनका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वहाँ पर आप जो है एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहीं चोट आती है, मोच आने पर, यहाँ तक कि घाव होने पर भी आप उसका जो है एक लेप, मतलब उसको जो है गर्म करके भी उस घाव पर, चोट पर उसको लगा सकते हैं। या फिर आपको तुरंत, जैसे मान लो दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, तो तुरंत उसको जेल को जो है माथे पर लगा लीजिए, आपको 5 मिनट बाद जो है तुरंत आपका इलाज जो है, आपका दर्द जो है बंद होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए इतनी जल्दी शायद एलोपैथिक दवा भी काम ना करे, इतनी जल्दी काम करती है। तो आप साथियों, और भी जैसे अगर आप इसके और लाभ जानते हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और इस तरह के जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपने अगर इसका उपयोग किया है तो जो अनुभव आपको मिले हों उसको ज़रूर कमेंट्स कीजिए, ताकि लोगों तक और ये जानकारियाँ पहुँचें और किसी को इसका लाभ हो। तो सभी साथियों को अनिल बिमल का नमस्कार।